तो कल जैसे ही यहाँ पे जो है बड़े में छोटे में का ट्रेलर को रिलीज किया गया, तो मैंने काफी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन जो होते हैं वो यहाँ पे देखे। कुछ यूट्यूबर्स जो अपने आपको प्रोक्लेम्ड यूट्यूबर्स यहाँ पे जो है कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये ट्रेलर के अंदर तो यहाँ पे जो है सब कुछ दिखा दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे जो है मूवी को क्यों देखने जाए। ठीक है, कुछ रिव्यूअर्स जो होते हैं जो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे मूवी रिव्यूज ही करते हैं, उन्होंने तो यहाँ पे जो है पूरी मूवी को ब्रेक डाउन करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है स्टोरी के साथ। एंड गाइस कब क्या क्या यहाँ पे होने वाला है उन सभी के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड गाइस यही कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग यहाँ पे जो है मूवी क्यों देखने जाओगे, बिकॉज आपको तो मैंने यहाँ पे जो है मूवी का प्लॉट बता दिया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है सब कुछ तो यहाँ पे जो है दिखाई दिया है। ठीक है, तो देखो यार मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कुछ कुछ जो यूट्यूबर हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं जिसका नाम मैं ले नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को पता है मैं किसकी यहाँ पे जो है बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो जब वो यहाँ पे जो है किसी भी ट्रेलर को यहाँ पे रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करने के लिए सबसे पहले वो यहाँ पे जो है ट्रेलर को कम से कम 10 से 12 बार देखते हैं। ठीक है, 10 से 12 बार ट्रेलर को देखने के बाद उनको यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप 0.25 करके वो यहाँ पे जो ट्रेलर को देखेंगे, बीच बीच में से हर एक चीज को यहाँ पे जो है निकालने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस ऐसे नेट पिकिंग करके तो मैं अगर बैठा तो मैं भी यहाँ पे जो है काफी इजीली यहाँ पे 20 से 30 चीजें तो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ, जो कि ऑब्वियसली बात है हर एक ट्रेलर रिव्यूअर या फिर दोस्तों हर एक मूवी रिव्यूअर्स यहाँ पे जो करता है, जो कि सही बात है। लेकिन ये सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज ए नॉर्मल ऑडियंस, आप एक नॉर्मल ऑडियंस हो, आपके सामने एक ट्रेलर आया है, आपने यहाँ पे जो ट्रेलर देखा, आपको यहाँ पे जो ट्रेलर पसंद आया, दैट्स इट, क्या आप लोग ट्रेलर को यहाँ पे जो 10 से 20 बार देखोगे कि इस मूवी के अंदर यहाँ पे जो है क्या क्या होने वाला है उस चीज के बारे में जानने के लिए? नहीं ना, तो सिर्फ एक ट्रेलर रिव्यूअर्स, ये सिर्फ एक यहाँ पे जो है मूवी रिव्यूअर्स की बात होती है। आप लोग यहाँ पे जो है मूवी या ट्रेलर रिव्यू के चक्कर में आप लोग पूरा ट्रेलर को यहाँ पे जो है खगाल देते हो, खगालने के बाद तो ऑब्वियसली बात है ना आप लोगों को यहाँ पे जो है 50-60 चीजें पता पड़ेगी, बिकॉज ट्रेलर यहाँ पे जो है पूरी मूवी से ही बनता है। एंड इतनी सी बात समझना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है सभी लोगों के लिए मुझे नहीं पता। देखो यार आंख बंद करके अगर आप लोग एक हीटर भी हो तो भी आप लोग ये पता कर सकते हो कि ट्रेलर यहाँ पे जो है बुरा नहीं था। बढ़िया सिनेमाटोग्राफी अपने को यहाँ पे देखने को मिली, बढ़िया एक्शन अपने को देखने को मिला, बढ़िया बीजीएम देखने को मिला, स्कोप देखने को मिला, कितना बड़ा लेवल का मूवी यहाँ पे जो होने वाला है। विलन की तो भाई कोई बुराई कर नहीं सकता, मैंने तो यार हीटर को भी नहीं देखा कि कोई हीटर यहाँ पे जो आ रहा है वो बोल रहा है कि भाई विलन ही यहाँ पे जो खराब है। भाई अब इसका जो मेन पॉइंट होता है मूवी का किसी की यार एक अच्छा विलन चाहिए अपने को यहाँ पे, जो कि हमारे हीरोज की यहाँ पे जो है बैंड बजा के रख दे, वो विलन अपने को यहाँ पे जो है दिखाया गया है। प्लस मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि अगर आप लोग यहाँ पे जो है अभी खुद अलिया बा जफर के यहाँ पे जो सोशल मीडिया हैंडल पे जाओगे तो उन्होंने जस्ट अभी यहाँ पे ट्वीट करके बताया कि जो भी आप लोग यहाँ पे जो है प्लॉट को देखकर सोच रहे हो कि हाँ यार सिर्फ यही डायमेंशन है इस पूरी मूवी का यहाँ पे, वो जस्ट एक पार्ट है। जो भी रिव्यूअर्स या फिर जो भी जो बड़े बड़े रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है ट्रेलर को खगाल कर यहाँ पे जो है पूरी मूवी की स्टोरी बताई है, उनको ही यहाँ पे जो है उनका कहना है कि जो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है मतलब सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट जो होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। ऐसे बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे जो है मूवी के अंदर डाले हुए हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मजा आएगा। मतलब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ट्रेलर को रिलीज हुए सिर्फ एक दिन यहाँ पे हुए हैं कि अलिया बा जफर को यहाँ पे जो है चीजों को कवर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी हेट, बिना मतलब का यहाँ पे जो है हेट फैलाया जा रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है ट्रेलर ने। यहाँ पे जब ट्रेलर आया था भी यहाँ पे कहा था कुछ गलत नहीं है मूवी के अंदर यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल ऑडियंस मुझे यहाँ पे जो है मास मसाला कॉमेडी एक्शन सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एज ए ऑडियंस भी लोग यहाँ पे जो इसको देखना पसंद करेंगे। बट देखो यार अब क्या हो रहा है कि अननेसेसरी यहाँ पे जो है हिट फैलाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ यूट्यूबर्स ने यहाँ पे जो है साफ साफ प्रूफ क्लेम करके सब कुछ यहाँ पे जो है आपके सामने रख दिया कि ये यहाँ पे होने वाला है, एंड में यहाँ पे ऐसा होगा। एंड गाइस सब कुछ इन लोगों ने यहाँ पे जो है काफी क्लियर तरीके से आप लोगों को बता दिया। बट ऐसे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है हॉलीवुड के भी काफी सारे ट्रेलर देखने को मिले जिसके अंदर गाइस अगर आप लोग ढंग से दिमाग लगाओगे, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम आया था सभी यूट्यूबर्स सभी प्रोक्लेम्ड यूट्यूबर्स ने यहाँ पे जो है सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि यार मूवी के अंदर यहाँ पे जो है 3-3 स्पाइडरमैन यहाँ पे होने वाले हैं, मूवी का प्लॉट क्या है, मूवी के एंड में यहाँ पे जो अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है बहुत सारी भीड़ गई थी ना मूवी को देखने, गाइस सबसे पहले वो प्रोक्लेम्ड यूट्यूबर्स यहाँ पे गए थे ना जिन्होंने यहाँ पे जो पूरी स्टोरी को बताया था, तो फिर यहाँ पे जो है इस बात की दिक्कत आ रही है। इस बार भी यहाँ पे जो कुछ वैसे ही होगा, अक्षय कुमार यहाँ पे जो है काफी लंबे टाइम बाद कमबैक करने वाले हैं एक्शन के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है सभी फैंस अक्षय कुमार के फैंस यहाँ पे जो है उनको एक्शन के रूप में यहाँ पे डेफिनेटली देखना पसंद करेंगे। टाइगर श्रॉफ तो आप लोगों को पता है एक्शन में बहुत ही ज्यादा कमाल किया। देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी होगी या फिर दोस्तों बहुत ही बुरी, मैं ये कह रहा हूँ गाइस कि किसी एक चीज को देखने के बाद अपना पर्सपेक्टिव बना लेना कि इस मूवी को लेकर कि यार ये ऐसा होने वाला है, वो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे जो है अजीब लगता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता है सलमान खान ने भी यहाँ पे जो है ट्रेलर की काफी ज्यादा तारीफ की है, अलिया बा जफर को भी यहाँ पे जो है कांग्रेचुलेट करते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा कि आपको यहाँ पे जो है टाइगर जिंदा एंड सुल्तान का यहाँ पे जो है इस मूवी से रिकॉर्ड तोड़ना होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है 10 अप्रैल को यहाँ पे जो है मूवी आने वाली है, आप लोग कितने एक्साइटेड हो मूवी को लेकर, इसके बारे में यहाँ पे जो है कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके और वीडियोस के लिए फटाफट जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो।